बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल तमाम नौकरियां। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा पाकिस्तान आर्मी AME की भर्ती का एक और जो कि इश्तिहार भर्ती का जारी कर दिया गया है। इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उम्र की हद जो कि 18 से 30 साल रखी गई है और तालीमी कैबरेज जो कि प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर तालीम वाले सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारी YouTube चैनल तमाम नौकरियों पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन का जरूर ऑल पे कर दें। इसकी मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए और अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सिंपली गूगल पे ना और सर्च बॉक्स में आप लोगों ने इस तरह से टाइप कर लेना है बेस्ट पीके जॉब्स। जैसे गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे टॉप पे आपको पहली वेबसाइट यह मिलेगी www.bestpkjobs.info। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आप लोग गूगल पे यहाँ पे सर्च करके आ सकते हैं। पहली ही वेबसाइट आपको यहाँ पर मिलेगी, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सेक्शन देख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स जो कि प्रॉमिस वाइज का आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। इस सेक्शन के नीचे आप लोगों ने जैसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अगेन सेक्शन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स जो कि डिपार्टमेंट वाइज का। इस सेक्शन में आने के बाद आप लोग नीचे आना और यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं जो कि आर्मी जॉब्स का बटन भी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सिंपली आर्मी जॉब्स के बटन में यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों इसकी मुकम्मल तफसीलात इस तरह से ओपन हो जाएंगी और जैसे ही आएंगे और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहली पोस्ट आपको मिलेगी पाक आर्मी CASD EME न्यू जॉब्स नवंबर 2024 अप्लाई नाउ। और इसी वीडियो का थंबनेल आपको यहाँ पर जो कि नजर आएगा तो आपने पहली पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही पहली पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे इसकी मुकम्मल तफसीलात इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल तमाम नौकरियों पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन का जरूर ऑल पे कर दें। इससे दोस्तों ये होगा जितनी हमारे चैनल पर नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आती हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। यहाँ तक आने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई, आप लोग सिंपली ये रीड कर सकते हैं। देन आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे खाली असामियों को मतलब तमाम तरह बताया गया, आप लोग सिंपली ये भी तमाम तरह रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जॉब्स क्राइटेरिया का सेक्शन मिलेगा। इसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो कि ए लिमिट 18 से 30 साल दी गई है और यहाँ पर अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बेचर तालीम अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 11 नवंबर 2024 जो कि दी गई है। मजीद आप लोग नीचे ये आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इस तरह से मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर आके इसको रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार रीड करके इसकी मुकम्मल तफसीलात में आपको बताए तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि किसी न किसी का भला हो सके। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर मेंशन किया गया है असामियां खाली हैं। मजीद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है CAED EME दमियाल कैंप जो कि भर्तियों की अनाउंसमेंट की गई है। नीचे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तर जितनी भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर उसकी तमाम तर उनकी तफसीलात यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले अगर असामी की बात की जाए तो असिस्टेंट की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं जिसका स्केल BPS 15 दिया गया है। इसकी ए लिमिट 18 से 30 साल यहाँ पर रखी गई है। मजीद दोस्तों बिसम बेचर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं और तजुर्बाकार अफराद को यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं DE और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी, इसमें BPS 14 का स्केल दिया गया है। इसकी भी ए लिमिट 18 से 30 साल यहाँ पर एजन दी गई है। मजीद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बेचर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं और टाइपिंग स्पीड 166 अल्फाज फी मिनट यहाँ पर जो कि लिखे गए हैं। इसी तरीके से आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पर LDC की वैकेंसी दी गई है जो कि BPS 11 का यहाँ स्केल है। और इसी तरह दोस्तों इसमें देख सकते हैं जो कि मैट्रिक तालीम अप्लाई कर सकते हैं और टाइपिंग स्पीड यहाँ पर 30 अल्फाज फी मिनट यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरह दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे नंबर 4 पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं जो कि ASK की वैकेंसी है और BPS 7 का इसका स्केल है। मजीद दोस्तों देख सकते हैं इस पर इंटर तालीम के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आएंगे और यहाँ पर HSM की वैकेंसी कारपेंटर की दी गई है, इसका BPS स्केल जो कि 6 दिया गया है और इसमें मैट्रिक साइंस तालीम में अप्लाई कर सकते हैं और कारपेंटर का काम जानता हो जो कि इसमें अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से नीचे आएंगे और यहाँ पर स्टोरमैन की वैकेंसीज दी गई हैं, इसका स्केल BPS 5 दिया गया है और इसकी भी लिमिट तमाम की 18 से 30 साल दी गई है। इसी तरीके से इसकी जो मैट्रिक तालीम यहाँ पर मांगी गई है स्टोर के बारे में जानता हो कंप्यूटर जानने वालों को जो कि इसमें तरजीह दी जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं सिविल ड्राइवर एजेंसी का स्केल BPS 4 दिया गया है और इसी तरह प्राइमरी दी गई है और ड्राइविंग लाइसेंस आपका इसमें होना लाजमी है। इसी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं स्किल जो कि कारपेंटर की एजेंसी है इसमें BPS 4 की यहाँ पे जो स्किल दिया गया है। मजीद इसमें मिडिल तालीम अप्लाई कर सकते हैं और मतलब काम के तजुर्बाकार अफराद को यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। इसी तरह कुक मैस की यहाँ पर वैकेंसीज हैं, इसकी BPS 1 है और इसमें प्राइमरी तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं और खाना बनाना जानते हों। इसी तरीके से सेंट्री वर्कर की वैकेंसी है, BPS 1 का इसका स्केल दिया गया है और इसमें प्राइमरी पास तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम तरह वैकेंसी थी, आप लोग खुद भी एक बार रीड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा। मजीद आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको इसकी तमाम तरह इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी आप लोगों ने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। अब दोस्तों आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए तमाम तरह इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इस अप्लाई करने की इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, दरख्वास्त बमा मुकम्मल क्वाइफ,
तस्दीक शुदा आपने तमाम इसनाद करने हैं, मतलब आपकी जितने भी जो भी मार्कशीट्स वगैरह हैं, डिटेल मार्कशीट्स वगैरह, आप उन्हें इसकी फोटोकॉपीज़ करानी है और उसको किसी भी ग्रेड 17 के ऑफिसर से या किसी भी ग्रेड 17 के जो कि स्कूल है हेडमास्टर से, आप लोगों ने सिंपली अटेस्ट करवानी है। अटेस्ट करवाने के बाद आपने दो तस्वीरें भी अटेस्ट करवानी है बैक साइड से, मिसाल की फोटोकॉपीज़ भी आपने जो कि अटेस्ट करवानी है। इसी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो कि दो जवाबी लफाफे लेने हैं और उसके ऊपर अपना जो कि मुकम्मल मौजूदा पोस्टल एड्रेस जो कि लिखना है। दो जवाबी लफाफे आपको डॉक जो कि ट्रॉफी से मिल जाएंगे, जो कि डॉक लिफाफे जिनको बोला जाता है, आप लोगों ने वो भी लेने। बाकी तमाम चीज़ें आपने कमांडेंट जो कि देख सकते हैं CAST EME दमियाल के रावलपिंडी के नाम आपने 11 नवंबर 2024 तक आप लोगों ने तमाम चीज़ें भेज देनी है। और इस दरख्वास्त के साथ आप लोगों ने 5 से जो कि 7 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप लोग दूसरे देख सकते हैं जो लोग 5 से, मतलब यहाँ पर 1 से लेके 5 तक जो कि अप्लाई कर रहे हैं और 6 से लेके जो कि 15 तक अप्लाई कर रहे हैं, स्केल की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, उन्होंने पोस्टल ऑर्डर भी बनाना होगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं 5 से जो कि 7 तक जो कि लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका 500 का पोस्टल ऑर्डर होगा, और जो लोग दोस्तों देख सकते हैं 11 से 15 के स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका 750 रुपये का पोस्टल ऑर्डर होगा। यह आप लोगों को जो कि पोस्ट ऑफिस से बन जाएगा और आप लोगों ने बनाम मेजर साहब की दरख्वास्त के नाम अरसाल करें, मतलब आप लोगों ने मेजर असद जो नीचे लिखा गया इसके नाम अपने पोस्टल ऑर्डर बनाना है। तो स्केल 11 से 15 के दरमियान अप्लाई कर रहे हैं उनको 750 रुपये का बनाना है, और जो लोग जो कि स्केल 5 से 7 के लिए अप्लाई करें उन्होंने 500 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाना है। ये भी दोस्तों अपने जो कि तमाम जो जिसने इसनाद भेजोगे, जितने भी चीज़ें भेजोगे उसके साथ आप लोगों ने जो कि सिंपली पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज देना है। तमाम तर चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड कर दूँगा। इस वीडियो को बनाने में यार बहुत मेहनत लगी है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी से इस वीडियो को लाइक करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल तमाम नौकरियों पर नए हैं तो चलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर ऑन पे करेंगे। बाकी दोस्तों अपने दोस्तों के इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि किसी ना किसी का भला हो सके। मजीद ऐसी नई जॉब्स की अपडेट हासिल करने के लिए रोजाना की मिलाद पर हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नए जॉब्स की वीडियो में, जब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।